ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जीवनी शक्ति और ऊर्जा के देवता ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 10 अगस्त 2022 की रात्रि में 8:37 पर मंगल मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और वृषभ राशि में 15 अक्टूबर 2022 तक गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो इस समय अवधि में मंगल के इस परिवर्तन के दौरान सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। उसका देश दुनिया के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रभाव दिखाई देगा। इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों के चंद्र राशि के ऊपर यह फलादेश आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। मंगल के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मंगल को ग्रहों का सेनापति और भूमि पुत्र कहा जाता है। मंगल को साहस और पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, अचल संपत्ति का, रोग और खून का, विज्ञान और अग्नि का विशेष रूप से कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर मंगल का ही प्रभाव होता है। मंगल विशेष रूप से जातक की कुंडली में साहस और संकल्प शक्ति को दर्शाते हैं। ये मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं और जन्म कुंडली पर मंगल यदि तीसरे, छठे, दसवें और ग्यारहवें भाव में मौजूद हों तो जीवन में काफी ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देते हैं। मंगल यदि जीवन में अनुकूल हो या मंगल की स्थितियां जन्म कुंडली पर बली हो तो जातक के अंदर अभूतपूर्व साहस देखने के लिए मिलता है। ऐसा जातक किसी दूसरे के अंदर या किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव में रहकर कार्य नहीं कर सकता है और ऐसा जातक किसी प्रकार की चुनौती में फंसने के बावजूद अपनी सूझबूझ के द्वारा बाहर निकलने में सक्षम होता है। मंगल बलवान हो तो जातक रूपवान होता है और शारीरिक रूप से मजबूत होता है और ऐसे जातक को खेल, सेना और शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए क्षेत्रों में कम प्रयास करने पर ही सफलता देखने के लिए मिलती है। यदि जन्म कुंडली पर मंगल अस्त हो, राहु के साथ शनि के साथ मौजूद हो या पीड़ित हो जाएं, मंगल नीच के हो जाएं, तो शत्रुओं से लगातार पराजय का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक जीवन में लगातार समस्या बनी रहती है। विवाह और संतान को लेकर विलंब का सामना करना पड़ता है। जमीन से संबंधित विवाद जातक का पीछा नहीं छोड़ते हैं। मंगल खराब हो तो ऐसा जातक हिंसक और क्रोधी होता है और उसे बीपी की समस्या होती है। रक्तचाप यानी खून से जुड़ी हुई समस्या उस जातक को काफी ज्यादा परेशान करती है। इसको मंगल से जुड़ा हुआ उपाय करके इसको ठीक भी किया जा सकता है। मंगल यदि जन्म कुंडली पर पीड़ित होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बार बार गिरने की समस्या, बार बार जीवन में चोट लगने की समस्या परेशान करती है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से यह परिवर्तन प्रभाव देने वाला है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, आपकी चंद्र राशि के ऊपर यह फलादेश आधारित है। मंगल ग्रह आपके राशि के रोग भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं। 10 अगस्त 2022 को मंगल आपके राशि से 12वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। राशि के 12वें भाव से विदेश खर्च के बारे में, विशेष रूप से शैया सुख के बारे में, दुर्घटनाओं के बारे में, जेल के बारे में विचार किया जाता है और विदेश का भी विचार किया जाता है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, मंगल आपके राशि से 12वें भाव में मौजूद होकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके राशि के पराक्रम भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से आपके राशि के रोग भाव को देख रहे हैं और अष्टम दृष्टि से आपके राशि के वैवाहिक भाव को देख रहे हैं। तो इस समय अंतराल में मिथुन राशि वाले जातकों को मिले जुले प्रभाव जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। मिथुन राशि के जातक यदि निरंतरता बनाकर मेहनत के साथ जीवन में करियर के मामले में कार्य करेंगे
तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की प्रबल संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। मिथुन राशि के ऐसे जातक जो कार्य क्षेत्र को लेकर करियर को लेकर विदेश में सेटल होकर कार्य कर रहे हैं, उनके लिए मंगल का यह गोचर जीवन में काफी ज्यादा अनुकूलता देने वाला है, परंतु आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। जीवन में ईमानदारी बरतकर विशेष रूप से चलने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली है। यदि मिथुन राशि वाले जातक इस समय अवधि में पुलिस, सेना या मार्केटिंग के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग या रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, भूमि भवन से जुड़ा हुआ आपका काम है, होटल या ढाबे का संचालन करते हैं, फायर ब्रिगेड के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं या डॉक्टर हैं, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। मंगल का यह गोचर आपके अंदर अभूतपूर्व साहस जरूर देगा, परंतु मिथुन राशि वाले जातकों को अति उत्साह से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। शारीरिक रूप से अपने आप को मिथुन राशि वाले जातकों को सतर्कता बरतकर विशेष रूप से चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मंगल आपके राशि के 12वें भाव में मौजूद होकर अपनी सप्तम दृष्टि से राशि के रोग भाव को देख रहे हैं, तो ज्यादा किसी प्रकार की समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, पर वाहन चलाते समय मिथुन राशि वाले जातकों को सावधानी विशेष रूप से रखना चाहिए। और मिथुन राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में जमीन जायदाद से संबंधित मुकदमों में यदि किसी प्रकार की समस्या बन रही है, तो मुकदमेबाजी से आपको उलझने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। और मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में खर्चों की काफी ज्यादा अधिकता रहेगी, तो आपको धन संचय करने की भी आवश्यकता रहने वाली है। मंगल देव आपकी राशि के 12वें भाव में मौजूद होकर अपनी अष्टम दृष्टि से आपकी राशि के वैवाहिक भाव को देख रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मिली जुली स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। और दाम्पत्य जीवन में अपनी भाषा का विशेष रूप से सुधार करके चलने की आवश्यकता आपको रहने वाली है, अन्यथा संबंधों में आपको तकरार पूर्वक स्थितियां निर्मित हो सकती है। तो इस गोचर काल के दौरान इस प्रकार का प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। अब यदि आपके जन्म कुंडली पर मंगल उच्च के होकर बैठे हुए हैं और शुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो बताई गई जानकारी आपके जीवन में कुछ कम प्रभावी होगी। और यदि आपके जन्म कुंडली पर मंगल की महादशा चल रही है, तो ये जानकारी आपके जीवन में काफी ज्यादा प्रभावी रहेगी। इस समयावधि में आपको कुछ विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों को मंगलवार के दिन मंगल की होरा में या मंगल के नक्षत्रों में मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा, इन तीन नक्षत्रों में किसी एक नक्षत्र में गुड़, सौंफ, देसी शक्कर, गेहूं, लाल वस्त्र, इन सभी चीजों का दान करना आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी सात्विक ब्राह्मण को पूर्ण रूपण श्रद्धा और दक्षिणा भाव से दान जरूर करें, और दान का समय है सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में। मंगल को यदि आप इस समय अवधि में शुभ बनाना चाहते हैं और मंगल से जुड़े हुए दुष्प्रभावों से यदि आप बचना चाहते हैं, तो प्रतिदिन मिथुन राशि वाले जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर रहने वाला है। और मंगल को अनुकूल बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत जीवन में मंगलवार के दिन विशेष रूप से हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, तो इस चैनल से आप जरूर जुड़े। ओम नमः शिवाय।